भाई यहाँ पे एक कबूतर है यार, यहाँ पे किसी ने कुछ मारा है, देख पूरा उड़ नहीं पा रहा है पूरा। शायद आज दिन भर पता नहीं मर जाएगा ये, शायद आज लग रहा है। हेलो भाई, स्वागत है हमारे वापस नए वीडियो में। कैसे हो? आए हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और हम भी मस्त हैं। और भाई रात को इतना मस्त हवा चल रहा था, मज़ा आ गया भाई। ये देखिए सुबह क्या मस्त सुबह हो गया भाई, पूरा उजाला हो गया। और भाई अभी कितना बज रहा है पता है आपको? मैं दिखाता हूँ बाहर चल के, आप कैसे नहीं करोगे कितना बज रहा है। यहाँ पे ना सुबह जल्दी हो जाती है भाई, देखो मुर्गा बोल रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों का टेंट लगा है भाई, देखो कितने सारे मुर्गे आ गए भाई। ओह कितना धुंध सा छाया हुआ है भाई, मस्त लग रहा है ना। और अभी पता ना कितने बज रहे हैं वो भाई, आप सोच नहीं सकते। मजा आ रहा है भाई, देखिए आपको दिखाते भाई। 4:20 हो रहा है भाई अभी, ये देखिए। और भाई मौसम देखो कितना मस्त, और मौसम कितना सोना हो रहा है भाई, मस्त ठंडक मस्त लग रहा। पता ना यहाँ बहुत जल्दी सूरज उगता है, 4 बजे एकदम उजाला हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। देख कितना मस्त लग रहा है। ये मियाँ रोड है यहाँ पे, और ये घर बना हुआ है। देख एक कार रखी हुई है, एक कार इधर रखी है, कितनी सारी दुकानें बनी हैं। लोग जल्दी जग जाते हैं इसलिए यहाँ पे, क्योंकि उजाला जल्दी होता ना। कितने सारे मुर्गे यहाँ पे, मस्त लग रहा है यार। तो फाइनली अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और हम नहा धो के हो चुके हैं रेडी यहाँ से निकलने के लिए आगे के सफ़र में। तो जो हमको जाना है ढापर जियो, यहाँ से ढापर जियो। और हमारा टेंट भी क्लोज हो चुका है, एक टेंट बाकी बचा हुआ है, वो भी अभी क्लोज हो जाएगा, वो भी नहा रहा है। और बस यहाँ से चलते हैं ढापर जियो की तरफ, देखते हैं। ढापर जियो यहाँ से 60-70-80 किलोमीटर बचा होगा, आज पहुँच ही जाएंगे फिलहाल, क्योंकि आज जल्दी निकलेंगे ना। और भाई यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा है घूमने में, क्योंकि आसपास ना जंगल पहाड़ बड़े बड़े मस्त व्यू मिलेगा आपको हर जगह। और यहाँ के घर, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं सच में। कि हमको लिफ्ट मिला था वही अपने घर लेके आते हैं, अच्छे से खातिरदारी की मस्त। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट डिस्टिनेशन। फाइनली यहाँ से मुझे निकलने का टाइम आ चुका है, और ये रहे हमारे सर, मिलिए सर से। और जिनका ही जो घर था और इन्होंने हमको लिफ्ट दिया था और अपने घर लेके आ गए, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के सच में। तो सर आप कुछ बोलोगे? नहीं, हम यही बोलना चाहता है कि आप लोग सही सलामत आप लोग का डिस्टिनेशन में पहुंच जाइए। ओके। आप जितना टारगेट लेके आए वह आप पहुँच के सही सलामत ना पहुँच जाना, अपना घर पहुँच जाना है। ओके। और कहीं रास्ता में दुख तकलीफ नहीं होना है, ओके। यही आप लोग को दुआ देता हूँ। ओके, थैंक यू। और यहाँ पे सर ने ना जो बहुत पुरानी चीज़ों से मतलब हमको रूबरू कराया, बहुत चीज़ बताया, यहाँ पे तलवार, यहाँ पे बंदूक, मतलब यहाँ पे ना लोग और जंगल से जुड़े हुए हैं, तो सब मतलब यहाँ पे हमको बहुत चीज़ दिखाया, तो बहुत अच्छा लगा सर। तो फाइनली अभी निकल पड़े हैं आगे के सफ़र के लिए। पहले हमको पता चला था कि यहाँ के लोग तलवार रखते हैं, बाद में हमको पता चला यहाँ के लोग बंदूक भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ ना ये काफ़ी पहले पुराने टाइप से जंगल से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े जंगल हैं, तो सभी लोगों का ये शिकार करते हैं, मतलब भालू हिरन जंगली जानवर कोई भी रहने दे जंगली, तो सबका शिकार करते हैं। यहाँ के लोग जंगली जानवर से नहीं डरते हैं, जंगली जानवर यहाँ के लोगों से डरते हैं, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सर थे उन्होंने हमको बहुत सी चीज़ें जो शिकार करके लेके आते हैं ना, तो उनकी बाल खाल सब अपने घर पर रखते हैं, तो हमने बहुत चीज़ें देखी हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा देख के। पता है नेशनल हाईवे है, अभी बन रहा है और कटिंग कटिंग हो के देखो, ऊपर कहाँ मशीन खड़ी है।
इसको एक दो साल तो लगेगा बनने में, और हम लोग अभी पैदल पैदल जा रहा है क्योंकि गाड़ी ही नहीं चल रही यहाँ पे ज़्यादातर, बस जा रहा है ऐसे। भाई नया रोड बन रहा है पूरा, टाइम लगेगा इसको बनने में। और भाई नीचे देखो कितने खतरनाक जंगल है, नीचे नदी भी बह रही है, बहुत बड़े बड़े जंगल है भाई। तो देखो कैसे पहाड़ को काट के बन रहा है, मशीनें लगी हुई यहाँ पर। देख के अभी पैदल पैदल जा रहा है भाई, गाड़ी तो मिल रही नहीं। भाई गाड़ी रुक चुकी है, फाइनली आपको बता दे 2.5 से 3 घंटे का टाइम लग गया हमको बैठे बैठे, क्योंकि रास्ता भी ना बहुत ख़राब था, तो कहीं कहीं रुक के आ रहा था। और जे रहा है सर हमारे, जो कि हमको बता दे यहाँ तक लेके आए, सर आप कुछ बोलोगे? हाँ, मेरा नाम जिमी लया। आज इसको आज ये ग्रुप को आधा रास्ता में मिला था, तो हमने उठा के लेके आया यहाँ पे दापोरिजो पे। ये अभी जहाँ पे हम खड़ा है ये काउंटर लाइन है, दापोरिजो डिस्ट्रिक्ट का जो काउंटर लाइन है, जहाँ पे आपको सोमो भी मिल जाएगा, जैलो भी मिल जाएगा, बस भी मिल जाएगा। बस थैंक यू, थैंक यू सर। आपका डायरेक्ट लिफ्ट मिली थी आपको, हम बता दो, और डायरेक्ट दापोरिजो तक छोड़ दिया। चलो चलते हैं भैया जी, आ रहा हूँ भैया, थैंक यू। देख इधर नदी के लिए निकल जाएंगे क्या? नदी के लिए, हाँ नदी के लिए यहाँ से पार्क में देगा, वो पार्क को भी पार्क कीजिए। लैला मजनू पार्क किधर है? हाँ लैला मजनू पार्क में जैसे सीधा जाओ आप, सीधा जाते रहो सीधा रास्ता, वहाँ में एक पार्क मिलेगा, पार्क को भी पार्क करके आप वो सीधा जाओ उधर मिल जाए। अच्छा, तो उसके लिए टिकट भी है क्या? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। तो फाइनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हम सोच रहे अभी नदी की तरफ जा रहे हैं, आगे नदी है, देखते हैं नहा भी लेंगे। वैसे सुबह तो नहा के आए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, ये ऊंचाई में है ना, ऊपर से पूरा क्या बोलते हैं ढापर जी, वो पूरा दिखता है, अच्छा है। तो फाइनली काफ़ी देर के बाद हम आ चुके हैं नदी पे, ये रही नदी भाई, यहाँ पे काफ़ी लोग नहा रहे हैं। और इस नदी का नाम है लैला मजनू, क्योंकि यहाँ पर एक ना स्टोरी है लड़का लड़की की, जो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो यहीं पर शादी का प्रॉब्लम हुआ, तो उनके घर वालों ने शादी नहीं करने दी, तो यहाँ पेड़ से मतलब फांसी लगा ली। मैं बताना चाहूँगा यहाँ का हिस्ट्री, एक्चुअली यहाँ पे कास्ट वगैरह से लेकर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो लड़का लड़की प्यार करता था, ठीक है, तो उनका घर वाला नहीं माना, तो एक पेड़ है ऊपर साइड में, मैं आपको दिखा दूँगा, ये भाई दिखा देगा, उस पेड़ में क्या है कि वो दोनों का शादी ब्याह नहीं हुआ, तो वहाँ पे आकर के फांसी लगा दिया, और फांसी लगा दिया था जब से। और ये कितने साल का? 60-70 साल पहले का है, ठीक है, लोकल लोग अपन लोगों को बताया, लोकल लोगों ने नाम रख दिया उनका लैला मजनू, और ये नदी भी हो गया लैला मजनू भाई। यहाँ पे लैला मजनू काफी लैला मजनू नहा भी रहा है, और इसलिए लोग नहाने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो चलो अपन भी नहाते हैं गर्मी तो लग रहा है, नहाएंगे भाई, ठीक है, फिलहाल बहुत बड़ा है यार। तो भाई ये रहा वो पेड़ इस पार्क के अंदर है, जिस पे यहाँ लड़का लड़की दोनों ने फांसी लगा लिया था, इसी पेड़, बहुत पुराना पेड़ है ये, और इस पार्क का भी लैला मजनू नाम है, और इस तरफ नदी है, इसका भी लैला मजनू नाम है भाई। चलो चलते भाई, यहाँ पे एक कबूतर है यार, यहाँ पे किसी ने कुछ मारा है, देखो पूरा उड़ नहीं पा रहा है पूरा। शायद आज दिन भर पता नहीं मर जाएगा ये, शायद आज लग रहा है सब, क्योंकि पूरा घायल हो गया, पानी भी रख रहा है इसके लिए, पानी पी रहा नहीं है, पर ना रिंग पा रहा है ना उड़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ लगा ऐसे गोली टाइप का, पूरा एकदम कपरा है भाई। तो अभी ये मेरे पीछे देख रहा होंगे मंदिर है, यहाँ पर रुकने के लिए बात कर रहे थे अभी इसी मंदिर में हम, भगवान शिव का ही मंदिर है यहाँ पर, कहीं बाहर से आया भाई एकदम, और मंदिर के अंदर गिरा, ये देखिए भाई पूरा कपड़ा है।
कैसे पूरा खून वून निकल रहा भाई पूरा। उड़ने की कोशिश तो कर रहा लेकिन उड़ नहीं पा रहा, चल भी नहीं पा रहा भाई, पैर खचोर रहा है भाई। तो दिन भर से अभी तो ये कबूतर जिंदा है और मैंने इसके जो जख्म घाव है ना, तो यहाँ पे मैंने हल्दी और तेल सरसों का तेल लगा दिया था, तो अभी इसको बहुत ज़्यादा मतलब राहत मिल रही है इसको, मतलब अभी दिन में कप रहा था बहुत ज़्यादा। और इसको पानी भी पिलाया, इधर पानी भी रखा है, पानी भी पिया उसने। और अभी इसके लिए ना दाना रख दिया, ये चावल चना और ये मूँगफली, ये पुआ है, लाई है। तो देखते हैं, अभी तो रात हो रही, पता नहीं सुबह तक जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं दिन भर से तो इसको देख रहा था भाई, तो अभी तो अच्छा लग रहा है मतलब उसको, तो अभी दाना भी खा रहा है थोड़ा थोड़ा। और देखते हैं सुबह जिंदा होता है कि मरता है, आपको बताएंगे। और आज रात का हमारा स्टे यहीं पर होने वाला है भाई, ये मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। तो बहुत गर्मी है भाई यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ घूमने के लिए नहीं है। डापर जियो ऐसा ही मार्केट है यहाँ पे, मैं गया था अभी घूमने, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा। और तो आज तो यहीं रुकेंगे और यहाँ से निकलेंगे आगे सफ़र के लिए। और रास्ता ना पूरा ख़तरनाक वाला है भाई, गाड़ी भी बहुत कम चलती है, लिफ्ट मिलता है तो नहीं मिलता, नहीं पैदल जाना पड़ता भाई। तो आज का हमारा स्टे इसी मंदिर में, और मिलते हैं फिर सुबह एक नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा।